अगर आप भी ऐसे वेब सीरीज की तलाश में हैं, जिन्हें आप अकेले देख सको, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको तीन ऐसी अमेजिंग और बोल्ड वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप अपने पर्सनल फोल्डर में हमेशा रखना चाहोगे। ये वेब सीरीज काफी अलग है, क्योंकि बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। और हाँ, इन वेब सीरीज को आप अकेले देखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अरे करोना अच्छा लग रहा है। नंबर वन पर है ब्लैक कॉफी। इस वेब सीरीज को उल्लू पर रिलीज किया गया है, जो कि ड्रामा और रोमांस पर बेस्ड है। वेब सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इसमें अर्जुन अपने बॉस रिया को ब्लैक कॉफी परोसता है और वह पहली नजर में ही उसके लिए गिर जाता है। दोस्तों यह गंठदार कल्पना को साजिश करता है, फिर क्या होता है। प्यार और वासना से भरी इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, कैसे यह जानने के लिए हमारे ब्लैक कॉफी का उपयोग करें। इसमें काफी सारे हॉट सीन दिखाए गए हैं। प्यार can be pagalpan or attraction. So Arjun, tell me something about yourself. खूबसूरती ना सूरत में है ना लिबास में, निगाहें जिसे चाहें उसे हसीन बना दे। नंबर टू पर है भौरी। 2017 में रिलीज है वेब सीरीज टोटली ड्रामा पर बेस्ड है। वेब सीरीज की स्टोरी एक 23 साल के लड़की की है, जिसकी शादी 55 साल के इंसान के साथ हो जाती है। वेब सीरीज में आगे इतना लंबा उम्र होने के बाद उसे समाज द्वारा क्या क्या दिक्कतें होती हैं, यही सारा कुछ इस वेब सीरीज में दिखाया गया है, जिसे आईएमडीबी ने रेटिंग दी है 10 में से 6.7 की। देख दनुआ, तू एक महीने से अकेलो अकेलो खा रहो है, हमने कुछ कही ना? अब भूरी को स्वाद थोड़ो हमें भी लेने दे। नंबर थ्री पर है शुभ रात्रि। 2019 में रिलीज है वेब सीरीज टोटली 18 प्लस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसका अभी तक सिर्फ एक ही सीजन रिलीज किया गया है, लेकिन आपको इसी सीजन में काफी सारे हॉट सीन देखने को मिल जाएंगे। वेब सीरीज का सेकेंड सीजन जल्द ही रिलीज किया जाएगा, जिसका आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। इस वेब सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। तामाद जी पे कौनो चुड़ैल का साया तो नहीं? जॉन मर्द की शक्तियाँ खत्म हो जाती है ना, वो काली शक्तियों का सहारा लेते हैं। या तो अपना भ्रम तोड़ो या फिर जाओ समझाओ भौजाई को। ये सब आपकी समस्या के निवारण के लिए ही कर रहे हैं, जिसके कारण आपको काली शक्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।